मतलब ये 1.5 सालों का ट्रिप एक हफ्ते में ख़त्म होने वाला है, इंडिया से बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, चाइना, मंगोलिया, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, रशिया, वापस से कजाकिस्तान, रशिया, अज़रबैजान, सर्बिया, तंजानिया एंड नाउ केन्या। देखो भाई यहाँ चल रहा है कपिल शर्मा शो, लग रहा है कि मैं ऑलमोस्ट इंडिया आ चुका हूँ। भाई ये देखो यहाँ पे हम लोग आए खाना खाने के लिए, ये देखो कितने लोग आए भाई साहब खाना देने के लिए। तो यहाँ पे भाई मैं सब कुछ देख रहा था, यहाँ पे ये है हाजमोला, हाजमोला हाजमोला तक है यहाँ पे, सही है, डिटॉल, हाजमोला, हार्पिक, सब कुछ यहाँ मिलेगा, कोलगेट, पतंजलि का सारा सामान आपको यहाँ पे मिल जाएगा ऑलमोस्ट। जब मैं कल आया था तो मुझे थोड़ा लगा वाह इंडिया वाली फीलिंग आ रही है यहाँ पे। हेलो, वेलकम बैक गाइज एंड गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप लोग यार, मैं जस्ट पिछले वीडियो में आपने देखा था कि मैं रेलवे स्टेशन आ चुका हूँ और मैं अभी रेलवे स्टेशन से जा रहा हूँ अपने होस्ट के घर। टैक्सी मैंने 2-3 बार बुक की, तीनों बार भाई साहब ने कैंसिल कर दिया। अब जाता हूँ बाहर, किसी लोगों से पूछूंगा, मतलब जो बड़ा बड़ा होता है, जो लोकल ट्रांसपोर्ट होता है उसे पूछूंगा, साथ ही साथ कोई टैक्सी वगैरह जा रहा है तो उसे पूछूंगा, वहाँ मुझे नेगोशिएट करना पड़ेगा। और जब मैं ऑनलाइन बुक करता हूँ तो मुझे कुछ खाना नहीं पड़ता। मैंने 3 बार किया एक्चुअली, मैं यूज़ कर रहा हूँ बोल्ट और तीनों बार कैंसिल कर दिया। चलो मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं, अब क्या कर सकता हूँ, उन्होंने कैंसिल कर दिया है। तो यहाँ पे कोविड के बारे में हर कुछ लिखा हुआ है, तंजानिया में कुछ था ही नहीं कोविड के बारे में, कहीं नहीं लिखा हुआ था कि कोरोना वगैरह, मतलब वहाँ कोरोना था ही नहीं, यहाँ पर कोरोना है। मास्क वगैरह वापस से लगाना पड़ रहा है, कोई नहीं, ऐसा है। ये रोड आई थिंक ये रोड ब्लॉक है इसलिए उन्होंने कैंसिल कर रहे हैं क्या, चलो देखता हूँ जाके, थोड़ा आगे जाके देखता हूँ। साथ लगता है ये रोड ब्लॉक वगैरह या तो काफ़ी लंबी खासी यहाँ पे ट्रैफिक है इसलिए ब्लॉक कर रहे हैं, ये बात देखता हूँ मैं। यहाँ पे लोग लोकल लोग काफ़ी लोग देखते हैं कि अंग्रेजी में बात करते हैं मतलब हमारे दिल्ली मुंबई जैसा है, यहाँ की लोकल लैंग्वेज स्वाहिली है। स्वाहिली तंजानिया में क्या था ना कि लोग स्वाहिली में ही बात करते थे, मतलब कहीं भी आप देख लो लोग स्वाहिली ही बोलते थे। यहाँ पे मतलब यहाँ पे स्वाहिली और इंग्लिश को मिक्स कर देते हैं, ब्ला 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 ब्ला, आई नो इट, ब्ला 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 ब्ला, ओह हु टोल्ड यू, इस तरह बात करते हैं। तो मुझे आधी बात समझ में आती है, आधी बात समझ में ही नहीं आती है। ब्रदर बता बता, ओसवाल पार्क, पकलान, या हाउ मच, 400, हाँ इन ब्लाइ इन ऑनलाइन 200, इट्स लाइक 5 किलोमीटर, 5 or 6 किलोमीटर, या आई टेल यू हाउ मच किलोमीटर इट इज एग्जैक्टली, आई एम मैप्स, यू कांट चीट मी, इट्स 5.4 किलोमीटर 16 मिनट्स, 300, इट्स टू मच, 200, ओके बाय शांते यार, 200-300 मांग रहे हैं, 200 सही है दाम दे रहा था मैं। टैक्सी मिल जा रही है 200 में यार यहाँ पे, मतलब जो उबर था उन्होंने तो लेकिन कैंसिल मार दिया। तो फाइनली बाइक से ही जा रहा हूँ, नो 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 नॉट टू यू, कंफ्यूज हो गए कि क्या बोलना चाह रहा है मैं। तो भाई मैं लोकेशन पे तो आ गया हूँ और A002 इस तरफ जाना है कहीं मुझे लगता है, कोई रास्ता टावर इधर से, मैं कंफ्यूज हो रहा था जाऊँ किधर से, ओके लिफ्ट वगैरह यहाँ पर है, ठीक है लिफ्ट, A टावर लिफ्ट B टावर, ओके सो अब फ्लोर नंबर कितना होगा, ओह नहीं पड़े भाई, फ्लोर नंबर कितना है, फ्लैट, ओए कंफ्यूज हो गया, आई थिंक 1 फ्लोर जाना चाहिए, चलो देखते हैं, 1002 है यहाँ पे। गुड मॉर्निंग, वापस से एक नया दिन,
और मैं आ गया हूँ केन्या के एक स्काई मॉल के पास और ये है डायमंड प्लाजा। वेल आपको दिखाता हूँ थोड़ा दूर जाके। तो बेसिकली मैं यहाँ पर आया था कुछ इंडियन फूड खोजने के लिए। ऐसा पहले रोड क्रॉस कर लो। कुछ लोगों ने कहा था कि यहाँ पे मुझे खाना मिल जाएगा। बाकी आपको बताता हूँ कैसा रहता है यहाँ पे। चेक इन होगा। एक सेकेंड। हाय चेक माई बैग। सो भाई साहब मैं इनसे ही पूछ लेता हूँ वेयर इज़ द इंडियन रेस्टोरेंट। जो इस वन इज़ इंडियन रेस्टोरेंट अर्बन पॉइंट। सी थैंक यू शांति साना कि बहुत दिनों से भारतीय खाना नहीं खाया था यार। लाइक दो साल हो गए बहुत कम खाया मैंने इंडियन खाना। लास्ट टाइम मुंबई में मुझे कुछ मिला नहीं था और यहाँ पे भी कुछ खाना पड़ेगा। मास्क लगा लो इनो मास्क किसी कंपलसरी। मुझे पता नहीं ये है या नहीं है। हेलो डू यू हैव इंडियन फूड? सॉरी इंडियन फूड? यस यू हैव। थैंक यू। ऑल सेट। तो मैं एक रेस्टोरेंट में बैठ के खाना पीना खा रहा हूँ। सस्ता ही खाना है यहाँ पे मुझे पड़ा अराउंड। सस्ता तो नहीं है भाई 500 रुपये का खाना सस्ता नहीं होता। 500 रुपये का खाना पड़ा लेकिन बहुत दिनों से मुझे खाना खाने का बन था इंडियन खाना। तो आज इंडियन चिकन बिरयानी मिल रही है। काफ़ी दिनों से मैंने बिरयानी वगैरह चिकन बिरयानी सही से नहीं खाई थी। वहाँ पर खाई थी तो वो थोड़ा कैनियन था। चलो कोई नहीं। मैं रह रहा हूँ इंडियन फैमिली के पास जैसे कि मैंने आपको कल बताया था लेकिन आपसे मैं मिलवा नहीं पाया था। तो आज मैं जाऊँगा तो उनसे मिलवाऊँगा। कल तो बस काफ़ी थका हुआ था मैं काफ़ी सो गया हालांकि काफ़ी घर का खाना भी खाया था। या सो अभी बैठ के फ़ोन चार्ज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एक टिकट बुक करनी है इंडिया के लिए। बहुत ही जल्द जा रहा हूँ मैं अपने घर। तो मेरी ट्रिप का ऑलमोस्ट एक हफ्ता बचा हुआ है यार। घर मतलब ये 1.5 सालों का ट्रिप एक हफ्ते में ख़त्म होने वाला है। ओह माय गॉड 1.5 साल इंडिया से लेके म्यांमार, इंडिया से बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, चाइना, मंगोलिया, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, रशिया, वापस से कजाकिस्तान, रशिया, अजरबैजान, सर्बिया, तंजानिया एंड नाउ केन्या। इतने ट्रिप करने के बाद मैं अब जा रहा हूँ घर। मैं दुबई जा रहा हूँ। आपको आगे आने वीडियो पता चलेगी आगे की इन्फॉर्मेशन। फिलहाल तो पहले खाना खाता हूँ भूख लगी है बड़े जोड़ों से। 2 बज गए हैं तो भाई खाना पीना खा लिया अब निकलता हूँ यहाँ से। काफ़ी अच्छा रहा खाना और बैठ के फ़ोन भी चार्ज कर रहा था या मुझे चार्जिंग पोर्ट मिल गया था। सब कुछ सही रहा। मास्क लगा लेता हूँ यहाँ पे मास्क लगाना ज़रूरी है। मैं तंजानिया छोड़ चुका हूँ ऑलरेडी। कितनी बार बोला हूँ फिर भी बोल देता हूँ तंजानिया छोड़ चुका हूँ ऑलरेडी। केन्या में हूँ। ये ऐसा कैफ़े था अच्छा था ये रेस्टोरेंट प्लस कैफ़े। लोग भी अच्छे थे खाना भी अच्छा था। घर जैसा स्वाद तो पूरा तो नहीं था लेकिन 60% था। चलो अब चलते हैं। तो भाई शाम के बज रहे हैं 3। सॉरी 3 कितने बज रहे हैं? 4:30 बज गए होंगे मेरे हिसाब से। तो 5 बज रहे हैं और मैं हूँ नीले भाई के साथ। यहीं पे हैं। इन्होंने ही मुझे होस्ट किया है और कल से आपके साथ हूँ। और ये यहाँ पे 25 साल से रह रहे हैं। शीतल दीदी को आपने देखा होगा तो उन्होंने ही मुझे रिकमेंड किया था कि इनके पास रहने के लिए। तो फिर मैं इनके पास आ गया था रहने के लिए। अभी हम लोग आए हैं इंडियन प्लेस में। देखो भाई यहाँ चल रहा है कपिल शर्मा शो। लग रहा है कि मैं ऑलमोस्ट इंडिया आ चुका हूँ। और ये दिख रहा है यहाँ पे मैं थोड़ा पता लगाने के लिए गया था फ़ोन वगैरह के बारे में। काफ़ी महंगा था यहाँ पे फ़ोन तो फिर मैंने छोड़ दिया। ये खाने पीने की प्लेस खाना है अच्छा। भाई ये देखो यहाँ पे हम लोग आए खाना खाने के लिए। ये देखो इतने लोग आए भाई साहब खाना देने के लिए। भाई देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लोग खाना के लिए ऑफर कर रहे हैं और जबरदस्ती कर रहे हैं। एक रेस्टोरेंट ऐसे ही है। हम लोग रोड पे नहीं आए हुए फिर भी ऐसा है। ऐसा यहाँ पे आसपास है भाई भी। अलसी आई जस्ट वॉन्ट वन टी शुगर कैन। ठीक है शुगर कैन सही है। इधर नहीं आए थे लंच नहीं यहाँ मजा आता। 10 लोग आ गए साथ साथ। 10 लोग अपना यहाँ पैसे रख रहे। नो थैंक यू। तो भाई देखो एक नई फैमिली यहाँ पे आई है और
आठ लोग एकदम, आठ से नौ लोग यहाँ से वापस से इन लोगों को परेशान करने के लिए तैयार हो गए हैं। कहीं बैठेंगे वापस इन लोग को ढाबा बोलेंगे उसके ऊपर। अब देखो तो भाई ये खा रहा हूँ, ये भजिया है ना, और ये चटनी के साथ है। मैंने पहली बार खा रहा हूँ ये, मैं कभी खाया नहीं हूँ इस तरह के। और ये है गन्ने का जूस, 200 लोकल करेंसी में पड़ा, तो इंडियन करेंसी में पड़ेगा 150 के आसपास। काफ़ी महंगा क्योंकि ये रेस्टोरेंट है, बाहर में 50 का मिल जाता है। थोड़ा सा रेस्टोरेंट ये, जहाँ पर मैं उसका नाम है डायमंड प्लाजा, और यहाँ पे मोस्टली इंडियंस रहते हैं ये वाले प्लाजा में। पूरा शॉपिंग मॉल, शॉपिंग मॉल है पूरा, लेकिन इंडियंस देने के लिए नहीं। अच्छा, ये होटल है, होटल्स हैं। ओके, और यहाँ पे लाइक इंडियंस के लिए काफ़ी रेस्टोरेंट वगैरह हैं। रेस्टोरेंट जैसे ये बाटा का शोरूम हो गया, इंडियन है, छप्पन भोग इलेक्ट्रॉनिक्स। तो पाकिस्तानी भाई साहब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करते हैं। सैंडल्स, एयरटेल 4G, और मेरे सामने ये है इंडियन सुपरमार्केट। आपको यहाँ पे इंडिया के हर सामान मिल जाएंगे, एक सुपरमार्केट इन्होंने बना दिया है। आपको मैं जाकर अंदर जाकर दिखाता हूँ, प्राइसेस भी बताऊँगा कि कितनी है। यहाँ पे टेम्परेचर चेक वगैरह होता है क्योंकि यहाँ पर कोविड है। तो यहाँ पे भाई मैं सब कुछ देख रहा था, यहाँ पे ये है हाजमोला। इंडिया में इसकी प्राइस 40 रुपये है, और यहाँ पर इसकी प्राइस है 170-165 ना, 165 रुपये, 165 लोकल करेंसी। इंडियन करेंसी में 130 के आसपास बनेगा। तीन गुना ज़्यादा पैसा में लग रहा है। यहाँ पे झंडू बाम है, पतंजलि, सब कुछ है यहाँ पे। ओह, साफ़ी, अच्छा साफ़ी भी यहाँ पे है। ये काफ़ी हेल्प करेगा अभी कोरोना के टाइम में। वाओ, स्वीट कॉर्न, ये पूरा इंडियन रेस्टोरेंट है, सॉरी रेस्टोरेंट बोल रहा हूँ, इंडियन सुपरमार्केट है। आपको हर चीज़ इंडिया से यहाँ पे मिल जाएंगे। प्राइसेस रिजनेबल तो नहीं है, इंडिया से काफ़ी महंगी है, 3 times महंगी है, लेकिन ठीक है फिर, क्योंकि इंडिया से तो आता भी है। और इंडियन प्राइसेस का मतलब ये एक्सपोर्टेड नहीं है, ये इंडिया से लेके आते हैं, पता नहीं कैसे लेके आते हैं, लेकिन इंडिया से लेके आते हैं। एक्सपोर्टेड नहीं है क्योंकि उसमें इंडियन प्राइस लिखी रहती है। और कुछ कुछ आपको दिखा रहा था इंडिया से क्या क्या यहाँ पे मिलेगा आपको, ऐसे कि इस वाले पार्ट पे वो सारा सामान इंडिया से है, ये सारा सामान इंडिया से है। देख लो भाई, पार्ले जी मिल रहा है भाई, यहाँ पार्ले जी मिल रहा है। चलो काली चाय में पार्ले जी डुबा के खाएंगे, खरीद लेते हैं। वो भाई साहब भी केनिया में ही खा रहे थे, सिगरेट गए। मैरी बिस्कुट, सब कुछ है भाई यहाँ पे। गुड डे भाई, मैं मतलब मैं 1.5 साल हो गया मुझे इंडिया छोड़े हुए, और ये सब चीज़ें देख रहा हूँ तो काफ़ी खुशी आ रही है चेहरे पे, क्योंकि ये सब चीज़ें सिर्फ मैं इंडिया में ही खाता था। तो रेस्टोरेंट से आ गया, ये सुपरमार्केट में देखने के लिए आया था, काफ़ी अच्छा था भाई, यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा आपको। ऐसी चीज़ मैंने कहीं देखी नहीं इंडिया के बाहर, ना चाइना में देखी, ना मंगोलिया में देखी, किसी कंट्रीज़ में नहीं देखी। हो सके मॉस्को में होगा क्योंकि मॉस्को में काफ़ी इंडियंस रहते हैं, बट मैं मॉस्को गया नहीं। तो उसके अलावा मैंने दर सलाम में देखी इंडियन चीज़ें इतनी, और यहाँ पर देखी केन्या में, नैरोबी में, हर कुछ है यहाँ पर यार। हाजमोला तक है यहाँ पर, सही है, डिटॉल, हाजमोला, हार्पिक, सब कुछ यहाँ मिलेगा, कोलगेट, पतंजलि का सारा सामान आपको यहाँ पे मिल जाएगा ऑलमोस्ट। तो जो यहाँ पे लोग रहते हैं वो इंडिया को रियली मिस नहीं करते होंगे, क्योंकि फैमिलीज वगैरह को छोड़ के खाने में इंडियन खाना मिल जाता है, सारी ग्रोसरीज मिल जाते हैं इंडियन, बस मिस करना ही क्यों है। सही है फिर तो। अगर मैं इंडिया के बाहर रहूँ तो मेरे हिसाब से कभी अगर मैं एक दो महीने रहूँ इंडिया के बाहर, मतलब जब कहीं काम करना पड़े, तो मैं केन्या ज़रूर चूज करूँगा, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ इंडियन मिल जाएगा और मेरे हिसाब से सही रहेगा, क्योंकि मैं खाना, इंडियन खाना बहुत मिस करता हूँ, टू बी ऑनेस्ट, सबसे ज़्यादा मैं मिस करता हूँ इंडियन खाना। घर पे तो चलो बात हो जाती है, वीडियोस कॉल वगैरह सब कुछ हो जाती है, यू नो,
और काफ़ी टेक्नोलॉजी आ गई, लगता है कि सामने आमने सामने ही हम लोग, लेकिन जो खाना होता है ना वो खाना मिस हो जाता है। मंगोलिया में मुझे खाना पड़ा था घोड़े का मीट, घोड़े का लीवर, अगर इंडिया में जाता क्यों खाता, पनीर पनीर खाता मैं, पालक पनीर। ओह वेल, कोई नहीं, आज से 10 दिनों के बाद मैं इंडिया में होऊंगा। उन्होंने पार्किंग फ़ी दे दी, कितनी है पार्किंग फ़ी? 50 एक घंटे का 50। एक घंटे का 50, ठीक है, उतना महंगा भी नहीं है। घर जा रहे, कहाँ जा रहे? घर। बाल कटवाने? नहीं, बाल नहीं कटवाने मुझे, इसका वीडियो ले लेते हैं। बाल नहीं, इसमें से बाल में काफ़ी बड़ा करूँ, बड़ा करो, हाँ तक लंबा ना हो जाए, अलग हो जाए। ये पूरा शॉपिंग मॉल है ना, ये पार्किंग फीस देयर, इधर है उस तरफ। तो सुपरमार्केट से घर की तरफ आ चुके हैं, हमारा है 10th फ्लोर, अब आ रही है। यहाँ पे ओम का साइन लगा हुआ है, अभी अंदर जाऊँगा तो आपको सुनाता हूँ यहाँ पे क्या कोई बसता है। जैन का मंत्र, जैन का मंत्र बसता है, ओम भू भूभुवः समथिंग लाइक दिस। आ गया ऑलमोस्ट, सुनाई पड़ रहा है। जब मैं कल आया था तो मुझे थोड़ा लगा वाह हुई थी, इंडिया वाली फीलिंग आ रही है यहाँ पे, क्योंकि सब कुछ सेम था। गायत्री मंत्र चल रहा है यहाँ पे, हमारे घर में पूजा पाठ होता था, ये मंत्र बजता है, गायत्री पूजा हमारे यहाँ होता है। यहाँ पे कितने अपार्टमेंट्स हैं इस वाले पूरे इस बिल्डिंग में? इस बिल्डिंग में 12 वाला हर एक फ्लोर पे 48 अपार्टमेंट, 50 अपार्टमेंट है यहाँ पे, और सारे में इंडियन रहते हैं। और मैं घर आ चुका हूँ, यहाँ पे बातें चल रही है। मान ले लो, मैं तो हमड़ा जावे ना। हेलो हेलो, मैं ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसे हो? मैं आपको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बस बढ़िया। अच्छा हो? हेलो, ओके, हाय, कैसे हो आप? हम बढ़िया, आप बताइए। हम लोग भी बढ़िया यहाँ पे। क्या क्या, हाउ इज योर ट्रिप? काफी अच्छी चल रही है। इंडियन लोग इंडिया के साथ ऐसे कम्युनिकेशन रखते हैं, हाँ, व्हाट्सएप पे जो लड़की ब्याह के आए 25 साल से मम्मी से वही से कम्युनिकेशन करती है। आप मैके कब से नहीं गए हो? 25 साल मैं मैके लास्ट कब आई थी मम्मी? आपकी मम्मी है? हाँ मेरी मम्मी है। मम्मी जो कल मेरी बात हुई थी इन्हीं से, हाँ इन्हीं से हुई थी, अबे क्या मेमोरी लॉस हो गई। हेलो, आप अब वीडियोस में हैं, आप कुछ बोलना चाहेंगे? कि बोल तो मम्मी, लड़की को ब्याह कर दिया तो 25 साल से वापस नहीं आ पाई, उनके पति उनको बहुत पर्सनली देखना था, लेकिन आप नहीं आ सकते। अच्छा, पर्सनली देखना था मुझे, हाँ मैं आ जाऊंगा पुणे, मैं तो इंडिया जा रहा हूँ 10 दिनों में। अच्छा, पुणे आ जाता हूँ, आऊंगा तो बताऊंगा, अभी तो प्लान नहीं है लेकिन अगले ट्रिप में होगा। वेलकम, थैंक यू, असांते साना, मराठी में कैसे बोलते हैं?